पिला देते हो लोग इसके लिए, पैसे के लिए, कि बाग में अपने सब संस्कार तक भुला देते हैं लोग, और जिसने पैदा किया उस नाटक को रुला देते हैं लोग। लेकिन हाथ जोड़ के विनती है कि जितनी अहमियत ना दिया करो कि अपने पराए हो जाएं, क्योंकि बहुत दुख लगता है जब अपने बिछड़ जाते हैं। एक कवि ने बताया कि पैसे से दुनिया में क्या चीज मिल सकती है और क्या नहीं मिल सकती, और अचंभे की बात ये, पैसे से दुनिया में वही चीज नहीं मिलेगी जिसके बिना काम नहीं चलता। जिसके बिना काम नहीं चलेगा वही नहीं मिलेगा पैसा से। और कैसे नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, सुनिएगा वचन के द्वारा कैसे मिलेगा। मंदिर मिल जा और भगत मिले, लेकिन वो भगवान मिले ना पैसा से। ये जीवन मरण मिले ना जीवन दान मिले ना पैसा से, हो मिले दान और भगत मिले भगवान मिले ना पैसा से। जीवन मरण मिले ना जीवन दान मिले ना पैसा से, हो संस्कार और परिवार मिले न पैसा से। आव भगत का अच्छा रिश्तेदार मिले न पैसा से। स्वागत और सत्कार मिले, अरे स्वागत और सत्कार मिले पर प्यार मिले न थी। घर घर सच्चा एक यार मिले ना पैसा से, मिले स्वर थी घर घर सच्चा यार मिले ना पैसा से। अरे मान मिले सम्मान मिले, हाँ मान मिले लेगा। अरे जिसके पास पैसा ना हो और मान सम्मान हो ना,
तो छाती ठोक के छाती उठा के चलता है। समाज ये कहता है भाई पैसा नहीं है, लेकिन आदमी बहुत बड़ा जोर का आदमी है। लेकिन जिसकी इज्जत ना हो उसका क्या, सारी जिंदगी कितना भी पैसा हो भूख देते ही लोग देखे। और यही कवि ने दूसरी गली के अंदर बताया और क्या लिखा, ताज मिले न पैसा से। ये तो गीत मिले, ये गीत मिले, संगीत मिले, आवाज मिले न पैसा से। कुर्बानी ये कुर्बानी रंग लाती है, कभी राज मिले न पैसा से। सत्यवादी और गुणनशील, हाँ सत्यवादी और गुणनशील, इंसान मिले न पैसा से। मंदिर मिल जा मिले, अगर उसकी कहीं ऊंच नीच हो जाए, कहीं बेइज्जती हो जाए ना, तो जो भला और इज्जत वाला इंसान होगा ना, वो तो मरने के लिए जगह ढूंढने लगता है कि मरूं तो कहां जाके मरूं। लेकिन जिनकी इज्जत नहीं उनके कोई कोई सर नहीं, कोई बात नहीं। प्रेमी सजनों, जब समय निकल जाता तो फिर लकीर पीटने से फायदा नहीं रहता। और हमेशा इंसान को कहते हैं ना भाई, किसी कोई किसी को बुरा कहते और बात दिल पे लग जाए, लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन समय का इंतजार करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बात को समय से पहले कह भी दो और उसका कोई वजन और वजूद भी ना रहे। समय और बात इन्हीं के तो खेल होते हैं, वरना तो कुछ भी नहीं। और तीसरी गली के अंदर कैसे था, और बात मिले न पैसा से। ये तो भूख प्यास, ये भूख प्यास, अच्छी निंद्रा दिन रात मिले न पैसा से। रूप रंग, ये रूप रंग, अच्छी भाषा और जात मिले न पैसा से। बच्चों को आदर्श पिता और मात मिले पैसा से। ओ बच्चों को आदर्श पिता और मात मिले पैसा से। कोई कोई औलाद बड़ी खराब निकल जाती है बुढ़ापे में, जब माँ बाप की बारी आती है ना, बड़ी खराब औलाद होती है। उस समय पे
बड़े रोते हैं, बड़े बूढ़े कि हमने इसकी इतनी परवरिश की लेकिन इसने क्या किया। लेकिन रे जो दुखिया हो ना, जो दुखी हो जाते हैं औलाद से जब वो सेवा नहीं करती, इसके लिए कवि ने एक लाइन लिखी, जो सेवा करे माँ बापों की सेवा करे, माँ बापों की संतान मिले न पैसा से, और ये सच्चाई भी है कि भाई पहले आली हवा रही ना और पहले आला पानी, होगी खत्म कहानी, ना मिलती कोई भी चीज पुरानी, समय निकल गया, कितने भी पैसे बर्बाद कर लेना कभी लौटेगा नहीं। इंसानों का बचपन निकल जाता है, वैसे हमारा भी बचपन निकला है, जवानी की अवस्था आई है, कोई बूढ़े नहीं हो गए हैं, लेकिन स्कूल टाइम वो वाला बचपन जब खेलते थे मिट्टी में, बड़ा याद आता है, समय निकल गया कभी नहीं आ रहा वापिस। इसीलिए समय का ना सदुपयोग करें, कुछ नहीं रखा लड़ाई झगड़ों में, आज लोगों में जलन ईर्ष्या दुश्मनी इतनी पैदा हो गई है, छोटी सी बात पे आजकल के नौजवान गोली चला देते हैं, इससे जिंदगी की जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन प्रेमी सज्जनों मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी, और अगर बात सच्ची और अच्छी हो ना तो मुझे ताली बजा के बता जरूर देना, और मुझे पता है कि बात लिखने वाले ने अच्छी लिखी है, और वही आप भी करना जो मैं बताने जा रही हूँ कि जिंदगी में ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, ये पैर रखा है जरूरी नहीं है कि दूसरा पैर रखे या उससे पहले दम तोड़ दे। कहते ना बैठा बैठा इंसान मर जाता है, उसे नाम दिया जाता है कि भाई हार्ट अटैक पड़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आजकल पहले तो कहते थे कि भाई भगवान किसी ना किसी उससे उठाता है कि भाई कोई ना कोई ऐसा काम करता बहाने से उठाता है, लेकिन आजकल भगवान बहाने से भी नहीं उठाता, आदमी सो रहा है तो सोता ही रह जाएगा, ये सच्चाई है कि जिंदगी में ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी और ना जाने कौन सी बात आखिरी होगी। अरे जिंदा हो तो एक दूसरे से मिलते जुलते बातें करते रहो यारो, क्योंकि एक दूसरे से ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी, कोई भरोसा नहीं। और लास्ट करी ना कवि ने किस तरीके से लिखा था और आदरणीय श्री ब्रह्मानंद पीटीआई जी के लाडले पोते हैं आदरणीय पद्म कुमार जी, जो 1600 रुपए पहले 500 रुपए और 2100 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार ताली दादा पोते के लिए बार बार धन्यवाद शुक्रिया। हाई ये और बता दो इस भजन के शब्द आपकी समझ में तो आगे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट कली है और किस तरीके से लास्ट कली है। अरे दवा मिलेगी पैसा से, दवा मिलेगी पैसा से, आराम मिले ना पैसों से,
गांव में हर घर में बेटे मिल जाते हैं। कोई अभागा ऐसा हो जिसके बेटा ना हो तो कहती नहीं। बेटे तो हर घर में होते हैं, लेकिन कैसे बेटे नहीं होते। बेटे होंगे घर घर में, बेटे होंगे घर घर शरण, राम मिले न पैसा से, कृष्ण पाल तेरा कामनी खेरा, राम मिले न पैसा से, कृष्ण पाल तेरा कामनी खेरा, राम मिले न पैसा से। बहुत लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो गुरु बनाते हैं, बना लो, जो दिल को भाग्या समाज के सामने पगड़ी दे दी कि भाई बड़ा अच्छा आदमी आज से ये मेरा गुरु है, मान लो गुरु को बढ़ गया। गुरु बहुत मिलेंगे दुनिया में, जिसे दिल चाहे उसे बना लो, लेकिन गुरु के साथ साथ क्या नहीं मिलेगा। बिल्कुल लास्ट लाइन भजन की अंतिम लाइन, और ये बताया गुरु भले, अरे गुरु भले मिले चाहे।